रियल लाइफ में कैसी दिखती हैं श्रद्धा कपूर, इसकी चिंता वो नहीं करती। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के एक हाल ही में लिए गए इंटरव्यू में उन्होंने काफी कुछ अपनी बातें शेयर की। श्रद्धा कपूर का कहना है कि रियल लाइफ में दिखावा उनके लाइफ का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। उनका कहना है कि वो असल लाइफ में कैसे दिखती है इसकी चिंता उन्हें नहीं रहती है। श्रद्धा इसी हफ्ते अपनी रिलीज होने वाली फिल्म छिछोरे में दो बहुत अलग अलग किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। फिलहाल एक्ट्रेस फिल्म के प्रमोशन में काफी ज्यादा बिजी है। इसी बीच एक इंटरव्यू में श्रद्धा ने बताया कि दिखावा मेरे पेशे का एक छोटा सा हिस्सा है, ये सभी एक्टर्स की लाइफ में नहीं है, इसीलिए मैं इसके साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। मुझे कलर्स और अलग अलग हेयर स्टाइल आजमाना पसंद है। जब फिल्मों में मेरे कैरेक्टर की बात आती है तो इसके लिए मेकअप एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। श्रद्धा ने हालांकि आगे कहा कि वो इसके लिए काफी ज्यादा परेशान नहीं रहती कि वो रियल लाइफ में कैसी दिखती हैं। उन्होंने कहा कि मैं वास्तविक लाइफ में कैसी दिखती हूँ इसके लिए मैं ज्यादा सचेत नहीं रहती हूँ। ऐसे कई दिन होते हैं जब मुझे पिंपल होते हैं और मेरे बाल खराब होते हैं। इसके अलावा ज्यादा ट्रैवल करने की वजह से मेरी स्किन भी थकी हुई नजर आती है। मैं एयरपोर्ट पर उसी तरीके से फोटो खींचती हूँ और इसके साथ मैं ठीक हूँ। श्रद्धा ने आगे कहा कि हम सभी इंसान हैं, ना कि प्लास्टिक। वैसे आपको बता दें कि श्रद्धा ऑलरेडी काफी सारे कॉस्मेटिक ब्रांड्स के एंडोर्समेंट भी करती हैं। बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्तों के अंदर ही श्रद्धा की दो फिल्में रिलीज होनी हैं, जहां तेलुगु सुपरस्टार प्रभास के साथ उनकी फिल्म साहो लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई थी और ये चार लैंग्वेजेस में रिलीज हुई। वहीं इस हफ्ते रिलीज होने वाली है नितेश तिवारी की छिछोरे। इस फिल्म का प्रमोशन जबरदस्त तरीके से चल रहा है और साहो भी क्रिटिक्स के काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करने के बावजूद ये फिल्म 300 करोड़ रुपए से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुकी है।